इंटीग्रेशन 1 ओवर x² - 10x + 34 dx, इंटीग्रेशन 1 ओवर। सबसे पहले हमें देखना होता है कि एक्स स्केयर का कोफिशेंट 1 है, तो एक्स स्केयर कोफिशेंट 1 है, तो इसके बाद हमने एक्स का कोफिशेंट देखना होता है, एक्स का कोफिशेंट है 10, तो जो एक्स का कोफिशेंट है उसको ऑलवेज 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 5, कैंसिल करके आएगा 5। तो अब जो आया है नंबर उसको हमने स्केयर करना है, तो स्केयर करके आएगा 25। एक्स स्केयर माइनस 10x + 34। अब ये वाला 25 एक बार हम ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी एक्स, इंटीग्रेशन 1/x² - 10x, ये वाला 25 + 25, फिर 34 - 25 डी एक्स, इंटीग्रेशन 1/x² - 10x + 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर + 34 - 25 9 डी एक्स। तो अब ये फॉर्मूला बन रहा है a² + b² - 2ab, तो इसका फॉर्मूला होता है a - b होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 ओवर। तो अब a की वैल्यू x है, माइनस b की वैल्यू 5, होल स्क्वायर प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर डी एक्स। 1/x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan inverse x/a + c। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू x माइनस 5 है और a की वैल्यू 3 है, तो ये आएगा 1/a³ (3) tan inverse x - 5/a (a³) + c। इंटीग्रेशन 1/9x² + 6x + 10 dx, इंटीग्रेशन 1 ओवर। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 बनाएंगे, 9x² + 6। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 9 है, तो हम 6 को 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, एक्स प्लस 10 को 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 ओवर। 9 कॉमन निकालेंगे, x² + 9 बाहर निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 6/9x + यहाँ पे बचेगा 10/9 डी एक्स, ये कैंसिल करके आएगा 2/3। 1/9 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, 1/x² + 2/3x + 10/9 डी एक्स। अब ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो एक्स के साथ 2/3 है, इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9। तो यहाँ पे अब हम 1/9 ऐड करेंगे और 1/9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/9 इंटीग्रेशन 1/x² + 2/3x + 1/9 + 10/9 - 1/9 डी एक्स, 1/9 इंटीग्रेशन 1/x² + 2/3x + 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर
प्लस इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 9, तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस 1 डी एक्स, 1 ओवर 9 इंटीग्रेशन 1 ओवर, तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो अब ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्केयर, तो ए की वैल्यू एक्स है, एक्स प्लस बी की वैल्यू 1/3 होल स्केयर प्लस 10 माइनस 1 9/9 डी एक्स, 9 से 9 कैंसिल तो ये आएगा 1, 1/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 स्केयर प्लस 1, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्केयर डी एक्स, 1/x² प्लस ए स्केयर का इंटीग्रेशन होता है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू x प्लस 1/3 है और a की वैल्यू 1 है, 1/9 पहले 1/a है, 1/a की वैल्यू 1, टेन इनवर्स x की वैल्यू x प्लस 1/3 a की वैल्यू 1 प्लस सी, 1/9 टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 1 प्लस सी, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4x प्लस 8 डी एक्स। अब जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड से, तो वो कैसे लगाना है, तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि एक्स स्केयर कोफिशेंट 1 है, तो ये ऑलरेडी 1 है, तो अब x के साथ 4 है, जो भी x के साथ है जैसे इसमें 4 है तो इसे ऑलवेज 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2। अब जो मल्टीप्लाई करके आया है उसका हमने स्केयर करना है, तो ये आएगा 4, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4x प्लस 8। अब ये वाला 4 एक बार ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे डी एक्स, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4x प्लस 4, 8 माइनस 4 प्लस 4 डी एक्स, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4x प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर प्लस 4 डी एक्स। तो अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्केयर, इंटीग्रेशन 1/, अब ए की वैल्यू एक्स है, एक्स प्लस बी की वैल्यू 2, एक्स प्लस 2 होल स्केयर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर डी एक्स, 1/x² प्लस ए स्केयर का इंटीग्रेशन होता है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी। अब यहाँ पर x की वैल्यू x प्लस 2 है और a की वैल्यू 2 है, तो ये आएगा 1/, पहले a है तो a की वैल्यू 2, टेन इनवर्स x/a x की वैल्यू x प्लस 2 और a की वैल्यू 2 प्लस सी ऑलरेडी, इंटीग्रेशन 1/4x² माइनस 4x प्लस 3 डी एक्स, इंटीग्रेशन 1/, तो सबसे पहले हम x² का कोफिशियंट 1 करेंगे, 4x² माइनस 4x प्लस 3। अब x² के साथ 4 है तो अब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो यहाँ पर x 4 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है
तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 ओवर 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे बचेगा 3 ओवर 4 डी एक्स। 1 ओवर 4 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ओवर 4 डी एक्स। तो अब यहाँ पर x के साथ 1 है तो 1 को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ओवर 2 ही आएगा तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर 4। 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ओवर 4। अब ये वाला 1 ओवर 4 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे डी एक्स। 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 डी एक्स। 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 4 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4 3 माइनस 1 डी एक्स। 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अब इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ए की वैल्यू एक्स है, 1 ओवर एक्स माइनस बी की वैल्यू 1 ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 ओवर 4 डी एक्स। तो ये कैंसिल करके आएगा 1 ओवर 2। 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 डी एक्स। 1 ओवर 2 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 ओवर ए टैन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 ओवर 2 है और ए की वैल्यू 1 ओवर रूट 2, तो इसका इंटीग्रेशन है 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई, पहले 1 ओवर ए है, 1 ओवर ए की वैल्यू 1 ओवर रूट 2, फिर टैन इनवर्स एक्स एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 ओवर 2 ए ए की वैल्यू 1 ओवर रूट 2 प्लस सी। 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2 ओवर 1 टैन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 2 एक्स माइनस 1 ओवर 1 ओवर रूट 2 प्लस सी। 1 ओवर 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और ये वाले 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 टैन इनवर्स टू एक्स माइनस 1 ओवर ये वाले 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 ओवर 1 ओवर रूट 2 प्लस सी। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल,
तो ये आएगा 1/2 √2, रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो ये आएगा टेन इनवर्स 2x-1/√2 + c।